हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो अपर गैरिसी फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी खत्म हो चुकी है, जो साडे सिलेबस थी ओदे अकॉर्डिंग। हुन अपा करन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स साडे सिलेबस दे विच सॉलिड स्टेट दे नाल मेंशन है। देखो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री च करा चुकी हूं, जो द एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होएगा ना वो भी मैं अपलोड कर दवांगी। कुछ है कॉन्सेप्ट जो मैं करवा दवांगी तुहानू, नो प्रॉब्लम। बट हुन अपा नाल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करनी है। बट इस वीडियो नु देखन तो पहला तुहानू पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर वाली वीडियो देखनी पैनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उत्थे सेमीकंडक्टर च किद्दा कंडक्टिविटी हुंदी, किद्दा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनदे, किद्दा एन टाइप उह समझा चुकी है, ठीक है। उह तुहानू प्लेलिस्ट जाके सॉलिड स्टेट विच मिल जाएगी, जिहदे विच इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर दस्सिया होया, जिहदे विच पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जिहड़े तुहानू चंगी तरह समझाए हुए है, वह मैं दोबारा नहीं समझाने। प्लीज वो पहला वीडियो वॉच कर लो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन चो लिंक भी दे दवांगी, ठीक है जी। तुसी उत्थों जाके पहला वो वीडियो देख लो, फिर तुहानू पी टाइप एन टाइप का कॉन्सेप्ट जिहड़ा समझ आ जाएगा। चलो असि अगे चलते हैं। ये जिहड़ा कॉन्सेप्ट करन वाले पहला है पीएन जंक्शन डायोड, इस मास्टर केडर च दो क्वेश्चन बने हुए, वो भी मैं करवा देने तुहानू, ठीक है जी। बहुत ईजी है। लाइक आपां पढ़िया सी पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिहदे विच मेजोरिटी किहदी हुंदी आ होल्स दी, ते माइनोरिटी कौन हुंदे आ इलेक्ट्रॉन्स, कीता होया। एन टाइप दे विच मेजोरिटी किना दी आ इलेक्ट्रॉन दी, माइनोरिटी कौन आ होल। मेजोरिटी मतलब हुंदे जिहड़े ज्यादा दे विच, माइनोरिटीज मतलब घट, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मेजोरिटी कौन होणगी इलेक्ट्रॉन, ते फिर माइनोरिटी कौन बच गए होल। होल आपां पॉजिटिव वाले नूं कह दिंदे, ठीक है जी। पी टाइप दे विच मेजोरिटी कौन हो गए, मेजोरिटी कैरियर कौन हो गए होल, यानी पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले ज्यादा होणगे, तां ही उहदा नाम पी टाइप रखा हैगा। ते दूसरे कौन हो गए होल। इत्थे जदों आपां इलेक्ट्रॉन पी टाइप जदों आपां सेमीकंडक्टर बनाने आ ना, उहदे विच जिहड़ी करंट आंदा ना कंडक्टर दे विच, वो ड्यू टू आंदा होल्स, क्योंकि मेजोरिटी कौन आ होल्स, उहदे कारण आंदा, ठीक है। जिन्हां ने तो वीडियो देखी उहनां नूं समझ आ जाणा सारा। एन टाइप दे विच जिहड़ा करंट आंदा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आंदा। नाउ पी दी अपनी फंक्शनिंग, एन दी अपनी फंक्शनिंग, बट जे इन्हां नूं इकट्ठा कर दईए इन्हां दे एक अलग फंक्शनिंग हो जाती, बन जाता पी एन जंक्शन डायोड, इन्हों आप डिफ्यूज कर दिए। बट दिस डिफ्यूजर इज नॉट सो ईजी, देर आर द डिफरेंट मैथड टू डिफ्यूज दैम, आप ओनली डिस्कस करने है। फॉर एग्जाम्पल किसी मैथड नाल आप पी एन जंक्शन डायोड नू डिफ्यूज कर दिता, तो साढ़े को बनेगा पी एन जंक्शन। जंक्शन की होंगे जिथे दो चीजा मिलती है, रेलवे जंक्शन होंगे ना जिथे रेलवे दो लाइना क्रॉस कर दी ना आपस मिलती है। पी एन जंक्शन की आ जिथे पी टाइप एन टाइप सैमी कंडक्टर आपस की करके मिल गए। हूं देखो ये बनाया हुआ पी टाइप, देखने पी दे ज्यादा की है होल, घट की है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनोरिटी उन्हों की आ। एन टाइप दे ज्यादा की है इलेक्ट्रॉन, ते माइनोरिटी कौन है होल, ठीक है जी। ब्लू वाले होल है, ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। सो होया कि देखो तुहानू पता पॉजिटिव नेगेटिव च अट्रैक्शन हुंदी आ ना, हुण इह हैगे होल पॉजिटिव, ठीक है जी। इह हैगे इलेक्ट्रॉन्स, इह होल इलेक्ट्रॉन्स नूं अपने वल अट्रैक्ट करनगे, लाइक इह इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है जी। इह इलेक्ट्रॉन्स की होणगे इधर जाणगे, तां जिथों इलेक्ट्रॉन चल जांदा उत्थे की क्रिएट हो जांदा होल, सारयां नूं पता। इलेक्ट्रॉन जदों अपनी जगह छड के जांदा उत्थे की हो जांदा होल क्रिएट हो जांदा, ते हुण इत्थे इलेक्ट्रॉन आ गए, इत्थे की आ गए साडे कोल नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, ते इधर की सी साडे कोल क्रिएट हो गए होल। सो एक सेटअप बन गया। इस पीएन जंक्शन जिथे जंक्शन बनिया ओदे कोल जिधर एन सी उधर की आ गए पॉजिटिव, ते जिधर पॉजिटिव सी उधर की आ गए नेगेटिव। सो इत्थे की होया, ए एक डिप्लीशन रीजन बन गया, एक लेयर बन गई ओपोजिट लेयर, जेदे विच नेगेटिव साइड वाल हो गए पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले साइड की हो गए नेगेटिव, क्लियर। ए फिक्स नंबर होणगे जी, ए फिक्स नंबर होणगे, बिकॉज एक होल ने एक इलेक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट किया, दूसरे होल ने दूसरे नूं, ठीक है। ए फिक्स नंबर हो गए, यानी जे इधर फोर हैगे साडे कोल इलेक्ट्रॉन, इधर फोर की होणगे होल। सो ओह एक टाइम लई की बन गई लेयर बन गई। हुण ए लेयर दे विच की हुंदा, तुहानूं पता पॉजिटिव नेगेटिव च अट्रैक्शन आ, ए की आ मूव नहीं कर सकदे, ए हुंदे इत्थे फिक्स, ए मोबाइल नहीं कर सकदे, इन्हां च मोबाइल होना पॉसिबल नहीं हैगा, इस करके इत्थे की बन जांदा एक बैरियर, की बन जांदा बैरियर। उस बैरियर दे कारण इत्थे वोल्टेज आ गई वी, दूसरा इत्थे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गया थे, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव उसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना ऑब्वियसली। ते इथे ए मोबाइल नहीं कर सकते, एक जगह ते फिक्स हैगे ने, दैट इज वाई इथे की हो गया एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, जिहदी वोल्टेज मैं की लिखती वी वी। यही जिहड़ी वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिलीकॉन का पीएन जंक्शन डायोड सिलीकॉन का बनाया तो वोल्टेज 0.7 वोल्टेज होगी, जे जर्मेनियम का बनानी है तो 0.3 वोल्ट होगी, क्योंकि ज्यादातर आप सिलीकॉन से जर्मेनियम यूज करते, उत्थे भी मैं तुहानू इहदे नाल ही करवाई सी, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी यही असीं यूज करते हैं सब तो वधिया सैमी कंडक्टर, ठीक है। सिलीकॉन के केस जो बैरियर बनेगा 0.7 वोल्टेज का बनेगा, 0.3 वोल्टेज का। हुण इह बैरियर की है, यह बैरियर आ गया मतलब कि यह इन्नी वोल्टेज आ, इस वोल्टेज तो घट वाले जो वोल्टेज अभी देवे ना, ए इधर नहीं जाएंगे, ए वाली चीज इधर नहीं आएगी, क्योंकि एक बैरियर लग गया ना, हम इधर जो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते, होल्स इधर नहीं ट्रेवल कर सकते। जे फॉर एग्जाम्पल मैं सिलीकॉन का बनाया ना, सिलीकॉन लिए 0.7 का आ रहे वोल्टेज, मैनू इस तो ज्यादा वोल्टेज देनी पाएगी इस बैरियर क्रॉस करने लिए, फिर यह चीज इधर जा पाएगी, एक चीज इधर आ पाएगी, क्योंकि ए बिच की बन गई डिप्लीशन लेयर। इस रीजन नू की बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, ठीक है जी, ये को हो गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का साइज कितना होता है, 10^-8 to 10^-6 मीटर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इतने तो एक सम टाइम, एक थोड़े जे टाइम लिए कह लो एक सेल क्रिएट हो गया, ठीक है, तुसी इहदी रिप्रेजेंटेशन इदा भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक जिदा एक पासे पॉजिटिव एक पासे नेगेटिव, ठीक है, सो तुसी इधर नेगेटिव है सॉरी इधर पॉजिटिव है, तुसी ये भी क्रिएट कर सकते हो कि लाइक स्मॉल टाइम ताही उत्थे वोल्टेज आई ना एक बैरियर ली फॉर सम टाइम फॉर अ स्मॉल टाइम उत्थे की आ गई है वोल्टेज आ गई, ठीक है, जिन्हें मैं नाम दिता बी 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 इत्थे हैगी वोल्टेज, ए वाली बी हैगी बैरियर वोल्टेज, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो इस क्वेश्चन देख लेने कि आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन बैरियर की जो बैरियर बनिया इन द सिलीकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर कितनी वोल्टेज का होंगे, पहले आप 0.7 वोल्टेज का, यह आंसर से क्वेश्चन मास्टर ग्रेड च पूछा हुआ सी, जर्मेनियम भी पूछा जा सकता हूं, ठीक है जी, ध्यान रखना है। द डिप्लीशन रीजन इन द जंक्शन डायोड कंटेन चार्ज, कि डिप्लीशन रीजन च कि चार्ज होंगे, मेजोरिटी कैरियर होंगे, देखो तो मेजोरिटी है, दोनों तरह की है, पॉजिटिव भी है नैगेटिव भी है, सो आ ऑप्शन दोनों तो कैंसल हो गए। हम देखो अगे उन्हें की पा दिता, कहना फिक्स टोनर के सैक्टर आया ना या मोबाइल है, मोबाइल होंगे जो एक जगह दूजी जगह जा सकते, फिक्स होंगे जो एक जगह फिक्स रेंगे, दसो ये की फिक्स कि मोबाइल से फिक्स से बैरियर बनिया ना ताही उत्थे रोक लग गई, सो फिक्स डोनर ते एक्सेप्टर आयन होंगे, ठीक है, ये फ्री टू मूव नहीं होंगे, बाकी फिक्स है कि जिन्हें इधर होने उन्ने ही इधर हो, ठीक है। सो आंसर की आ जाना ही 3, ये दोनों मास्टर पीरियड क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इन्ने कंसेप्ट चो, हुण तुहानू कुछ भी पूछ सकता है, जर्मेनियम की पूछी जा सकती है या ऑर्डर पूछा जा सकता, बिकॉज इट्स ऑलसो मैनशन इन द सिलेबस ना, सो इनू ध्यान ना कर लेना। जे तुहानू वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करो शेयर करो ते सब्सक्राइब भी करो जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।